नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सेशन 57 में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम इसका अंतिम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल एम्पलीफायर। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व के चैप्टरों में हमने ऑप्टिकल सोर्स, ऑप्टिकल डिटेक्टर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, किसी भी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो भी कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उन सभी का हमने प्रत्येक चैप्टर में हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद जब हमें कोई भी ऑप्टिकल लिंक हम स्थापित कर लेते हैं, तो हमें जब वो ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर यानी किसी मीडियम के अंदर जब वो प्रोपगेट करता है, तो वो कुछ पावर को लूज करता है। तो उस पावर मार्जिन को हमें मेंटेन रखने के लिए हमें उसमें एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, सपोज उस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एक ट्रांसमीटर होगा, देन ट्रांसमीटर इससे पहले एक ऑप्टिकल एक सोर्स होता है जहां से सिग्नल जनरेट होता है। दिस इज सोर्स, सोर्स से एक सिग्नल जनरेट होगा, देन यहां से इसे हम ट्रांसमिट कर देते हैं सिग्नल को, और देन दूसरे एंड पर हमें जो सिग्नल मिलता है दैट इज रिसीवर। तो दूसरे एंड पर जब हम उस सिग्नल को रिसीवर के माध्यम से रिसीव करते हैं, तो यहां पर हमने एक रिसीवर बना दिया, ये रिसीवर। देन यहां के बाद ये सिग्नल आपके डेस्टिनेशन पे, जिसको भी ये सिग्नल हमें भेजना था, उसके पास पहुंच जाता है। तो ये एक कॉमन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर द कम्युनिकेशन। जब हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ाया, तो हमने बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में केवल अंतर इतना होता है कि यहां पर हम एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक इसमें कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम के अंदर। ये ऑप्टिकल फाइबर लिंक है, ऑप्टिकल फाइबर लिंक। इसका मतलब ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से ऑप्टिकल रिसीवर के बीच में, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में हम एक ऑप्टिकल सोर्स यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल रिसीवर साइड में हम एक ऑप्टिकल डिटेक्टर यूज करते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिफरेंट चैप्टर्स में, जिसमें ऑप्टिकल सोर्स, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब हम किसी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर लिंक को जब हम इस्टाब्लिश करते हैं, तो जनरली होता क्या है, जब जो सिग्नल यहां से ऑप्टिकल सिग्नल जब इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जब लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, तो ये पावर लॉस करता है, पावर को लूज करता है। ठीक है, तो इस पावर सिग्नल को हमें दोबारा से उस पर्टिकुलर पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है, उसे हम एम्पलीफाई करते हैं, उसको हमें एम्पलीफाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए जनरली हम यहां पर रिपीटर्स का यूज करते हैं, रिपीटर्स। ठीक है, रिपीटर्स आपने पढ़ा हो, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी हमने आपको बताया था रिपीटर्स का काम क्या होता है, कि जो भी सिग्नल है उस सिग्नल की जो प्रॉपर सिग्नल है, जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल उसका एक तरह से एम्पलीफिकेशन होता है। तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं और अगर आपने रिपीटर लगाया है, तो पहले आपका इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन होगा, यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित होगा, फिर उसका इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन होगा। दैट मीन्स पहले ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, पहला स्टेप तो ये होगा कि रिपीटर में कि ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होगा, इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, जो कन्वर्ट हुआ है सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसका एम्पलीफिकेशन होगा। तो रिपीटर का जो दूसरा फंक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन। इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, जिसमें जनरली हम देखें तो दो इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन में जो प्रॉपर जो आपने हमने डिस्कस किया था पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में, जब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो जो रिपीटर का काम होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी रीटाइमिंग और शेपिंग और पावर को हम बूस्ट करते हैं बेसिकली। तो इसमें जनरली जो फंक्शन ऑपरेट होते हैं, उसमें पहला होता है रीटाइमिंग, और सेकंड जो होता है दैट इज रीशेपिंग। रीशेपिंग का मतलब है सिग्नल जैसा
ट्रांसमिशन के टाइम पे चला था, ट्रांसमिटेशन के टाइम पे जैसे सिग्नल की शेप थी वैसी ही शेप हम उसको दोबारा से उसकी कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये सब करने के बाद आपका फिर हम दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, ये सारे काम रिपीटर के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें हम रिपीटर्स का यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर, तो जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो रिपीटर यूज होता है वो जनरली ये इतने तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पहले वो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है, कन्वर्ट करता है, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करता है, और देन उसके बाद एम्पलीफिकेशन वो जनरली रीटाइमिंग, रीशेपिंग और पावर को बूस्ट करता है, देन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और देन अगेन ये सिग्नल इज रेडी टू मूव फॉर दी लॉन्गर डिस्टेंस, दोबारा से ये सिग्नल दूर तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है रिपीटर वाली, ये जब हमें सिग्नल की स्पीड एक मॉडरेट स्पीड, यानी हमें जब मॉडरेट स्पीड चाहिए, यानी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, मॉडरेट स्पीड हो, ठीक है, और सिंगल वेवलेंथ हो, है ना, सिंगल वेवलेंथ यानी एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन हो रहा हो, सिंगल वेवलेंथ, तो हम रिपीटर्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन करना है, दैट मींस अगर हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन करना है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, और देर इज अ मल्टीपल वेवलेंथ ऑपरेशन, मल्टीपल वेवलेंथ ऑपरेशन, यानी हमें एक से ज्यादा वेवलेंथ को ट्रांसमिट करना है। जैसे आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा जिसमें मल्टी मोड, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर SMF और मल्टी मोड फाइबर MMF, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये जनरली सिंगल मोड फाइबर जहां पर है, यानी जहां पर हमें सिंगल एक ही फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करना है, तो हम उसमें सिंगल मोड फाइबर यूज करते हैं। जब हमें एक से ज्यादा मोड होते हैं तो वहां हम MMF यूज करते हैं। तो MMF अगर आप यूज करें तो उस कंडीशन में रिपीटर वाली जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है, ठीक है। इसीलिए वहां पर हम रिपीटर्स को प्रीफर नहीं करते, ठीक है। यानी कि अगर हमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हाई स्पीड कम्युनिकेशन करना है और मल्टी मोड ऑपरेशंस करने हैं हमें, मल्टी मोड वेवलेंथ यानी मल्टी वेवलेंथ को हमें अगर ऑपरेट करना है, तो हम वहां पर जो है ये रिपीटर्स का प्रयोग ना करके देन हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर का प्रयोग करें, यानी डायरेक्ट हम एक ऐसा एम्पलीफायर यूज करेंगे जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल को ही एम्पलीफाई करेगा, तो दैट मीन्स वी विल यूज ऑप्टिकल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। तो ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर हम कब यूज करते हैं, जब हमें मल्टी मोड वेवलेंथ, मल्टीपल वेवलेंथ ऑपरेशन, मल्टीपल वेवलेंथ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो और हाई स्पीड, हाई स्पीड आपकी ट्रांसमिशन हो, ठीक है, तो हम वहां पर ऑप्टिकल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर में नो नीड ऑफ द कन्वर्जन, नो नीड ऑफ कन्वर्जन, जो हम ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करते थे, उसकी हमें इसमें आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसका जो एम्पलीफिकेशन है वो ऑप्टिकल डोमेन में ही किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर जनरली जो है वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, फर्स्ट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, जिसे हम शॉर्ट में SOA, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। दूसरा जो टाइप का एम्पलीफायर होता है दैट इज कॉल्ड डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, दैट इज कॉल्ड डोप्ड फाइबर
फाइबर एम्पलीफायर, डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स जिसे बोलते हैं डीएफए। और थर्ड टाइप का जो एम्पलीफायर हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रमन एम्पलीफायर, रमन एम्पलीफायर, रमन एम्पलीफायर। ठीक है, तो जनरली ऑप्टिकल एम्पलीफायर की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर, जैसे हमने बताया ना कि हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्योंकि हमें रिपीटर्स की जगह हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल एम्पलीफायर को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जब हमें मल्टीपल वेवलेंथ ऑपरेट करनी है और हाई स्पीड पर डेटा ट्रांसमिट करना है, हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हम वहां पर ऑप्टिकल एम्पलीफायर को प्रीफर करते हैं। तो देन नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर। तो इसमें जनरली हम क्या है, ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जो यूज करने का जो कारण है, एक तो हम लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिशन, एक तो हाई स्पीड, यानी कि जैसे आप हाई स्पीड ट्रांसमिशन कर सकते हैं, हाई स्पीड ट्रांसमिशन, यानी कि जो भी डेटा आपका मीडियम के अंदर ट्रांसमिट किया गया अगर वो हाई स्पीड डेटा है, तो वहां पर हम रिपीटर्स की बजाय आपके जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर है उसको प्रीफर करते हैं। दूसरा जो रीजन बताया था हमने वो था आपका मल्टीपल वेवलेंथ। और थर्ड जो है इसका दैट इज कॉल्ड नो नीड ऑफ कन्वर्जन, यानी हमें इसमें ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसे लॉन्ग डैश ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अंडर सी। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा, इट इज वाइडली यूज्ड, ठीक है, इन लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी के लिए अगर कम्युनिकेशन करना वहां यूज करते हैं, अंडर सी लिंक, अगर समुद्र के अंदर हमें लिंक स्थापित करना है तो वहां पर भी हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन एडवांटेज, दीज आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कैसे हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर को ऑप्टिकल फाइबर लिंक में हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हमें वो देखना होगा, दैट मींस यूज ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर इन ऑप्टिकल फाइबर लिंक। तो अब हम कहेंगे use of optical amplifier in optical fiber link, यानी कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, जैसे हमने अभी ब्लॉक डायग्राम देखा था तो वहां पर हमने देखा था कि ऑप्टिकल जो फाइबर लिंक है, जो ट्रांसमिशन से रिसीवर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं उसके बीच में हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करना पड़ता है। तो हम कितने तरह से इस ऑप्टिकल एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर। में जनरली बात करें तो इसको हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है जिसे हम ऑप्टिकल ट्रांसमीटर कह देंगे। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के बीच में हमने कहीं ऑप्टिकल फाइबर लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है, सपोज दिस इज अ ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसके बीच में हम कहीं पर ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा देते हैं, दिस इज ऑप्टिकल एम्पलीफायर।
और देन आगे ये आपके ऑप्टिकल रिसीवर पे जाके कनेक्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल रिसीवर. फाइन. तो ये हमारे पास क्या है, ये जनरली आप जो देख रहे हैं, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर लाइन. दिस इज दी ऑप्टिकल फाइबर लाइन, ऑप्टिकल फाइबर लाइन. तो लाइन के बीच में हमने इन लाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज किया है, इन लाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर. ठीक है. तो इसमें होता क्या है कि जब सिग्नल आपका ट्रांसमीटर से निकला है तो वो काफी पावरफुल सिग्नल होता है, यानी कि अगर हम सिग्नल को देखें तो कुछ इस तरह से वो काफी पावरफुल सिग्नल होगा इस तरह से. लेकिन जब वो सिग्नल आपके एम्पलीफायर के पास पहुंचा, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा, तो काफी सिग्नल वीक हो जाता है. तो इस एम्पलीफायर का काम क्या है, उस सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बना देना, यानी उसी शेप में ला देना जैसी शेप में वो चला था. ठीक है. और दोबारा से जब ये ट्रेवल करता है तो दोबारा से ये ऑप्टिकल रिसीवर के पास जाके फिर दोबारा से ये वीक सिग्नल होता चला जाता है. ठीक है. लेकिन वो इतना वीक होता है कि जितने को ये ऑप्टिकल रिसीवर डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है. उसकी सेंसिटिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है. तो ये हो गया आपका इन लाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर. तो इन लाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर को जनरली हम उन लिंक्स में, फाइबर लिंक में यूज करते हैं जहां पर डिस्पर्सन जो है वो कम होता है, नहीं यानी वी यूज लेस डिस्पर्सन. जहां पर डिस्पर्सन का प्रभाव कम रहता है वहां पर हम इन लाइन एम्पलीफायर को यूज कर लेते हैं. और इसे जनरली फाइबर की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है. इसमें एटीन्यूएशन जो मिलता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलता है. सपोज हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर पे जाके हमें एटीन्यूएशन मिलता है, यानी 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे चलने के बाद सिग्नल इतना एटीन्यूएट हो जाता है कि उसे ऑप्टिकल डिटेक्टर के द्वारा रिसीव नहीं किया जा सकता. तो हमें सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई करने की आवश्यकता पड़ती है. तो एक एक सीमित डिस्टेंस के बाद हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स लगाने होते हैं डिस्टेंस में. ठीक है. ठीक है. लेकिन इसमें सिग्नल को हमें पूरी तरह से जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है. ठीक है. इसमें केवल जो ट्रांसमिशन लॉस है, ठीक है, उस ट्रांसमिशन लॉस को हमें कंपनसेट करना पड़ता है. दैट मीन्स वी नीड टू कंपनसेट ट्रांसमिशन लॉस. ट्रांसमिशन लॉस को हमें कंपनसेट करना होता है इसमें. ठीक है. तो ये कहलाता है हमारा इन लाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर. दूसरा जो एम्पलीफायर इसमें होता है दैट इज कॉल्ड प्री एम्पलीफायर. सेकेंड नंबर का जो एम्पलीफायर होता है दैट इज कॉल्ड प्री एम्पलीफायर. ठीक है. प्री एम्पलीफायर. तो प्री एम्पलीफायर में जनरली हम क्या है कि क्या डिफरेंस होता है कि सिग्नल को डिटेक्ट करने से पहले हम उसको एम्पलीफाई कर लें. ठीक है. तो अगर हम सिग्नल को यानी कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर को रिसीवर से पहले हम उसके एंड पे एक एम्पलीफायर लगा दें और वो एम्पलीफायर उस सिग्नल को पहले उस शेप में ला दे, उसे एम्पलीफाई कर दे जिस सिग्नल को ये रिसीव कर सके, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो को हमें मेंटेन करना है इन बाय द प्री एम्पलीफायर. तो इसमें क्या होता है कि जनरली इसमें हमारे पास में एक जैसे वही सेम ट्रांसमीटर, इसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर. देन हमने यहां से सिग्नल को ट्रांसमिट किया और इसे हमने क्या किया, हमें रिसीव करने से पहले हमने यहां पर ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा दिया. रिसीव करने से पहले यहां पर हमने एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा दिया. देन हमने इसे ऑप्टिकल रिसीवर पे कनेक्ट कर दिया. जी दिस इज रिसीवर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल रिसीवर. ठीक है. तो यहां पर क्या है कि सिग्नल, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर लिंक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर लिंक. ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर लिंक. ऑप्टिकल फाइबर लिंक. तो यहां से जब सिग्नल आपका चला तो वो सिग्नल काफी पावरफुल सिग्नल है इस तरह का. ठीक है. लेकिन यहां से ये इस एम्पलीफायर तक पहुंचते पहुंचते वीक हो जाता है. ठीक है. तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा, दोबारा से इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा. तो इस सिग्नल दोबारा से यहां पर हमें काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाएगा जैसा सिग्नल ट्रांसमीटर से चला था, और इस सिग्नल को रिसीवर डिटेक्ट कर लेगा. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्री एम्पलीफायर. ये यहां पर क्या है, तो हमने क्या किया, सिग्नल को रिसीव करने से पहले उसको हमने एम्पलीफाई कर लिया. तो ये प्री एम्पलीफायर हमने बीच में एक
लगा दिया। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वी मेंटेन वी सॉरी वी मेंटेन एसएनआर, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। हमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जो रिसीवर है उसमें थर्मल नॉइस की वजह से जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो डिग्रेड होता चला जाता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिग्रेड हो जाता है, तो उससे सिग्नल टू नॉइस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमें फ्रंट एंड पर पहले एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। ठीक है, उस एम्पलीफायर की हेल्प से हम इसका गेन बढ़ा देते हैं सिग्नल का, और उसके माध्यम से हम इसे सिग्नल को एम्पलीफाई करके रिसीवर को देते हैं, तो उससे सिग्नल जो है वो हमारा और ज्यादा अच्छा हो जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हम एक तरह से रिसीवर की से एसएनआर जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो डिग्रेड हो जाती है तो उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें रिसीवर की सेंसिटिविटी को भी अच्छा रखना है। ठीक है, तो ये कहलाता हमारा प्री एम्पलीफायर। इसके बाद थर्ड प्रकार का जो इसमें एम्पलीफायर आता है, दैट इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर, दैट इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर। सो दैट इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर। तो तीसरे तरह तीसरा जो प्लेस है इसका, यानी दो तरह जगह बनाए, तो हमने एक तो लगाया इनलाइन एम्पलीफायर। इनलाइन एम्पलीफायर में हमने एम्पलीफायर को सीधा कनेक्ट कर दिया था लाइन के बीच में कहीं। दूसरा हमारा था प्री एम्पलीफायर, जिसको हमने रिसीवर से पहले कनेक्ट किया था। और तीसरे तरह का जो हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, तो पावर एम्पलीफायर या जिसे हम कहते हैं बूस्टर एम्पलीफायर, इसे हम बूस्टर एम्पलीफायर भी कहते हैं, तो इस सिग्नल इस एम्पलीफायर को जनरली हम ट्रांसमिशन से पहले लगाते हैं, बूस्टर एम्पलीफायर। यानी सिग्नल को हम ट्रांसमिट करने से पहले उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ट्रांसमीटर यूज किया, ट्रांसमीटर के तुरंत बाद हम एम्पलीफायर यूज कर लेंगे, तो उससे सिग्नल हमारा क्या है, काफी बूस्टअप हो जाता है, और सिग्नल बूस्टअप होने की वजह से वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा। तो हमने यहां पर एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर यूज किया, देन इसके तुरंत बाद हमने यहां पर एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज कर लिया। ऑप्टिकल एम्पलीफायर के बाद हमने फिर ऑप्टिकल फाइबर लिंक है ये, ऑप्टिकल फाइबर लिंक के माध्यम से फिर हमने ये सिग्नल आपका रिसीवर पे रिसीव कर लिया। तो ये जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर आप यहां पर यूज कर रहे हैं, इससे पहले जो सिग्नल है एक तरह से वो काफी वीक सिग्नल होता है इस तरह से, लेकिन जब वो एम्पलीफायर से बाहर आता है तो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाता है इस तरह का, और देन ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये रिसीवर के पास दोबारा से उसी शेप में आ जाता है। फाइन, जिस और लेकिन वो सिग्नल की शेप ऐसी होती है जिससे, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ ऐसी होती है जिसकी जिसकी जो सेंसिटिविटी से मैच करती है रिसीवर की, यानी उस सिग्नल को रिसीवर डिटेक्ट कर पाता है। तो ये जो आपका ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, ये आपका कहलाता है पावर एम्पलीफायर, दैट इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर। ये जो इन दोनों को मिला के, ट्रांसमीटर और ऑप्टिकल एम्पलीफायर को मिला के, हमारा जो है ये पावर एम्पलीफायर सेक्शन बनता है, पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो एक स्टेज हमारे पास ये होती है, जिसके माध्यम से हम सिग्नल को पहले बूस्टअप करते हैं ट्रांसमिशन से पहले, पहले हम ट्रांसमिशन के बाद तुरंत बाद हमने एम्पलीफायर यूज किया, और सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद हम उसको मीडियम में थ्रो करते हैं। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं कि हमारे सिग्नल की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, यानी कि लगभग 10 गुनी उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। अगर वो सिग्नल 10 किलोमीटर तक चलता, तो अगर एम्पलीफायर लगा दोगे, एम्पलीफाई कर दोगे, तो वो लगभग 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो जनरली है, ये हम कितना इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगी ऑप्टिकल एम्पलीफायर के गेन पर। इट डिपेंड्स ऑन गेन, ऑप्टिकल एम्पलीफायर का गेन कितना है, और उस और फाइबर में लॉस कितने हैं, इन दोनों चीजों पर ये चीज निर्भर करेगी। गेन जितना ज्यादा होगा, लॉस जितने कम होंगे, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा प्लेस होता है। तो ये हमने आज ऑप्टिकल एम्पलीफायर का अध्ययन किया, जिसमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर के टाइप्स हमने थोड़ा सा देखे। अब हम आगे वाले सेशन में हम डिटेल्स में ऑप्टिकल एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से एम्पलीफायर होते हैं, क्या क्या एम्पलीफायर की ऑप्टिकल एम्पलीफायर की एप्लीकेशन है, और वेयर वी कैन यूज ऑप्टिकल एम्पलीफायर इन ऑप्टिकल फाइबर लिंक, ऑप्टिकल फाइबर लिंक में या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम एम्पलीफायर को कहाँ यूज कर सकते हैं, ये भी हमने इसमें देखा।
अगले सेशन में वील डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर, के ऑप्टिकल एम्पलीफायर के कितने कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो अपने आज बताएं अभी सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, एक्टिव फाइबर और डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर और रमन एम्पलीफायर, ये तीनों एम्पलीफायर का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।